चुनाव के दौरान शराब, दौलत और पैसों की बाढ़ आ जाती है। शराब की पूर्ति के लिए लाइसेंस शराब की बजाय ग्रामीण क्षेत्र में हाथ की बनी शराब पर अधिक जोर दिया जा रहा है। 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों, गांवों और सुदूरवर्ती इलाकों में शराब की भट्टियां खुलेआम शुरू हो गई है। इन भट्टियों को बंद करने की चुनौती राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के सामने है, क्योंकि हाल ही में वर्षा ऋतु समाप्त हुई है। नदियों और नालों में अभी भी अच्छी संख्या में पानी भरा हुआ है। इन नदी नालों के किनारे और उसके निकट क्षेत्र में गांवठी हाथ भट्टी की शराब बनाने का खुला खेल चल रहा है। खास चुनाव में वोटरों और कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए ये शराब निकाली जा रही है और इसकी चोरी छिपे सप्लाई की जा रही है, क्योंकि ये भट्टियां घने जंगल का सहारा लेकर चले जाती है, इसलिए आमतौर पर किसी को नजर नहीं आती। राज्य उत्पाद शुल्क विभाग को इस अवैध शराब बिक्री पर ब्रेक लगाकर लाइसेंसी शराब की बिक्री बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, परंतु इस विभाग की ओर से कोई कार्य किया जा रहा हो ऐसा सुनने में नहीं आया है। इसके विपरीत पुलिस विभाग की ओर से देखा जा रहा है कि आए दिन अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है।